सॉरी, मेरा नाम मुकेश नहीं है। इनकी तरह मेरी भी जिंदगी खुशी और बकचोदी से भर रखी थी, लेकिन एक दिन जब मैं गहरे नशे में था, मैंने YouTube के एक अंधेरे कोने में जाने का फैसला किया। वो फैसला मेरी पूरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक फैसला था। कैसे हैं आप लोग? देखो यार, मानो ना मानो, YouTube का एक अंधेरा कोना है, और वो अंधेरा कोना तीन चीजों से भर रखा है। हवस, हवस और हवस। मो बकचोदियन, जी हाँ, हमें ये शब्द सुने काफी वक्त हो चुका है। ये लोग एक नए रूप के साथ वापस आ चुके हैं। ये लोग जब ज्यादा उतावले हो जाते हैं तो कुछ ऐसी आवाजें निकालते हैं। बहुत हार्ड, तू लटका के झटका के चलती है, भटका के ध्यान मेरा तेरे इस चलने पे। मैंने कुछ लिखा है, पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा। ओ मैडम जी, मैं तेरा भाई नहीं है, धीरे चल कोई गाय नहीं है, बस इतना ही। खैर, आज हम ऐसे ही कुछ बवासीर को बढ़ावा देने वाली वीडियोस देखने वाले हैं, तो आओ यार शुरू करते हैं। तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। पीछे वाले अंकल भी चिंता में। अरे भाई, भोसड़े का कहा हो गया, क्या चल रहा है, क्यों बावड़ा हो रहा है? अब आ जाते हैं दूसरे तरह के होस्ट पे। इन्हें मैं प्यार से कहता हूँ, हिप हॉपर। तुम भी मेरा दूध पी सकते हो, ठंडा है, ताजा है, मलाई से भरा हुआ है। बता रहा हूँ, जिस रफ्तार से ये लोग चल रहे हैं ना, आने वाले 2 साल में ये लोग हॉट बिकनी सेक्स से 3 तिगाड़ा खाट बिगाड़ा पे उतराएंगे। अरे क्या है ये? आज रात मैं तुम्हें चांद पे ले जाऊं या तारों पे, वो तो आपका रॉकेट देखकर ही बता पाऊंगी। इन्हीं हरकतों की वजह से तो लड़कियों के दिलों में छेद हो जाता है। आखिर इसके बाद राधा कैसे ना चले, कैसे ना चले। वाला सीन हर स्कूल हर कॉलेज में दिखाया जाता है, ताकि बच्चों के दिलों में डर बना रहे। अगर पढ़े लिखेंगे नहीं तो ये करना पड़ेगा। ये 7 जन्मों में पाप है। मेरी आप सबसे विनती है, ये मजबूर है आप नहीं। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नहीं, तुम्हें ना आएगी। छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे। ये क्या रूप है? I don't think so. कोई कह देगा ऐसे इंसान? सारी नसें हारा गई, क्या, क्या क्या करना क्या चाह रहा है यार, फटेगा बहनचोद। क्यों भोले बालक बन रहे हैं इस बीमारी का शिकार? अगर ऐसा सा कोई भी प्राणी आपके सामने आता है, फौरन वहाँ से भागिए। तेरी चूड़ियों की खन खन से मेरा लंदन जाना छूट गया। तेरी गा तेरी गाय ने इतना दूध दिया, मेरा लो। तो हाथ से खड़ा किया जाता है, फिर उसमें थूक लगाया जाता है और फिर उसको अंदर डाल दिया जाता है। सोचो लव गुरु ये सवाल पूछ रहा है, ऐसा क्या है जिसे हाथ से खड़ा किया जाता है, फिर उस पे थूक लगाया जाता है, फिर उसे अंदर घुसेड़ दिया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मैं हूं आपका अपना लव गुरु भूपेंद्र, इजाजत चाहूंगा। सेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? फिरती बकचोदी। नहीं, एक बार जवाब सुनो क्या दिया है। मिलन। As far as my knowledge goes, जो कि ज़्यादा दूर नहीं जाती है, sex को हिंदी में संभोग कहते हैं। मिलन मेरे पड़ोस में 4 साल का छोटा बच्चा है, उसको बोलो ये बात, मिलन तेरे बाप ने तेरा नाम सेक्स रखा है। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम 1.5 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं यार। यार अभी तो इतने मिलियन, अभी बिल्कुल अभी। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए ना, तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 2,50,000 लाइक्स के लिए। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो।
अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब यार मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि जाना है यार। मोहित, अबे यार वो मिलन रो रहा है यार, उसको पकड़, उसको बता उसकी नहीं उसके बाप की गलती है। अगर आपको और बकचोदी देखनी है तो आप दाहिने बाएं साइड टच क्लिक सेक्स आदि कर सकते हैं।